वैश्विक महामारी कोरोना के खतरे से भारत में अब तक 6,412 कोरोना के केस, 199 लोगों की हुई मौत। यूपी में 415 पहुंचा मरीजों का आंकड़ा, मेरठ में 6 तो आगरा में 5 नए मरीज मिले। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 6,500 के नजदीक पहुंचने वाला है, तो उत्तर प्रदेश में आंकड़ा 400 के पार पहुंच चुका है। हर रोज नए मामले सामने आने के बाद शासन प्रशासन के लिए भी मुश्किल खड़ी होती जा रही है। इसी बीच अब सबकी नजरें इन दिनों आगरा पर हैं, जो यूपी का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट जिला बन चुका है। यहां 5 नए केस सामने आने के बाद 89 कोरोना के मरीज हो गए। उधर मेरठ में भी आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। 6 मरीज बढ़ने के बाद मेरठ में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 43 हो गई है। इसके साथ ही हापुड़ में भी 3 नए केस मिले हैं। उधर अमरोहा में 5 नए मरीज मिलने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया है। यहां कुल 7 मरीज कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। अलीगढ़ में पहला मरीज मिलने के बाद प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। यूपी में 5 नए कोरोना टेस्टिंग लैब को मंजूरी। प्रयागराज, आगरा, नोएडा, बरेली और लखनऊ में नई लैब, जल्द शुरू हो सकेंगे टेस्ट के काम। ICMR ने 5 लैब को टेस्टिंग की दी मंजूरी। अब तक 9 लैब्स में हो रही थी कोरोना जांच। यूपी के 15 जिलों में हॉटस्पॉट चिन्हित कर उन इलाकों को पूरी तरह सील किया जा चुका है, तो दूसरी तरफ पूरी कोशिश है कि हर हाल में लोग लॉकडाउन का पालन करें, जिसको देखते हुए शहर प्रशासन ड्रोन के जरिए इलाकों में नजर रख रहा है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में पुलिस फोर्स की तैनाती है, साथ ही ड्रोन के जरिए खास इलाकों में पैनी नजर रखी जा रही है। आगरा में फिर बड़ा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। 5 नए मरीज मिलने से जिले में 89 पहुंची मरीजों की संख्या। मेरठ में भी 6 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। अमरोहा में कोरोना के 5 नए मरीजों की पुष्टि होने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा सभी को अलग अलग जगह पर आइसोलेट किया गया है, जिन्हें अब मुरादाबाद के जिला अस्पताल में भेजने की तैयारी की जा रही है। 5 कोरोना के पॉजिटिव मरीजों के 2 भाई दिल्ली के मरकज में शामिल हुए थे, तो वहीं 2 गुजरात के जमाती हैं। जनपद अमरोहा में अब तक कोरोना के पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 7 हो चुकी है। शामली में चिन्हित कोरोना हॉटस्पॉट क्षेत्रों को बैरिकेटिंग कर सील कर दिया गया है। इन स्थानों पर सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त कर पुलिस फोर्स की संख्या बढ़ा दी गई है। PAC तैनात कर दी गई है। पूरे मोहल्ला, गांव, गलियों में कस्बों को सील कर दिया गया है। मेरठ में अगर हॉटस्पॉट इलाकों को छोड़ दिया जाए तो लॉकडाउन जैसा हाल कहीं भी नजर नहीं आता है। मेरठ में सोशल डिस्टेंसिंग का पुलिस के सामने मजाक बनाया जा रहा है। प्रयागराज में फ्लैट्स वाली कई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स और अपार्टमेंट्स को आइसोलेशन वार्ड में तब्दील किया जाने लगा है। इसी कड़ी में शहर के कालिंदीपुरम इलाके में डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा तैयार की गई गोकुल आवास योजना को आइसोलेशन वार्ड में तब्दील कर दिया गया है। इस कॉलोनी में कुल 312 फ्लैट्स हैं। अभी इन्हें खरीदारों को अलॉट नहीं किया गया था, लिहाजा सभी 312 फ्लैट्स में एक एक बेड लगवाकर इनमें आइसोलेशन के इंतजाम किए गए हैं। प्रयागराज मंडल में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में लॉकडाउन पर सख्ती से अमल कराकर कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए मंडल में पुलिस और प्रशासन के बड़े अफसरान खुद ही सड़कों पर उतरकर मोर्चा संभालने लगे हैं। प्रयागराज मंडल में कमिश्नर और IG लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, बल्कि कई बार खुद भी सड़कों पर मुस्तैद नजर आ रहे हैं। दोनों अफसरान फील्ड में अपने मातहतों की हौसला अफजाई करते हैं, तो साथ ही उन्हें लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने की हिदायत भी देते हैं। प्रयागराज में एक इलाके को हॉटस्पॉट कर पूरी तरह सील कर दिया गया है। रेलवे स्टेशन के पास अब्दुल्ला मस्जिद से हर तरफ 300 मीटर के दायरे में लोगों के आने जाने पर पूरी तरह बैन लगा दिया गया है। न इलाके में राशन सब्जी की दुकान है, न ही दवाओं की। दरअसल यहां 7 इंडोनेशियाई समेत कई जमाती इसी अब्दुल्ला मस्जिद में 10 दिन तक छिपे हुए थे। पकड़े जाने पर 1 इंडोनेशियाई की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जबकि 2 की रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। प्रयागराज में DM ने जारी किए निर्देश। सड़कों पर जरूरी कामों के लिए भी निकलने पर बिना मास्क के दिखे तो होगी कार्रवाई। सीतापुर में क्वारंटाइन सेंटर से 18 मजदूर फरार हो गए, जिसके बाद जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। इस मामले में लापरवाही बरतने पर ग्राम प्रधान के खिलाफ पहले तो जिला अधिकारी ने मुकदमा दर्ज कराया, फिर उसे गिरफ्तार करवा दिया। असल में DM और SP खुद क्वारंटाइन सेंटर का मुआयना करने पहुंचे थे, तभी उन्हें 18 मजदूरों के फरार होने की सूचना मिली। पिसावा थाना क्षेत्र के पिपरी सादीपुर गाँव का यह मामला है। पीलीभीत में लॉकडाउन का पालन कैसे करें, इस बारे में मुस्लिम भाइयों ने लोगों को जागरूक किया। शबे बारात के मौके पर लोगों ने ताले टांग कर गेट के बाहर बैनर लगा दिया और उस पर लिखा कि लॉकडाउन का पालन करें और घरों में ही इबादत करें।
हापुड़ में कोरोना पॉजिटिव के 3 नए मरीज मिले हैं। अब हापुड़ जनपद में कोरोना पॉजिटिव के कुल मरीजों की संख्या 6 हो गई है। लखनऊ के पेपर मिल कॉलोनी में 500 रुपए के नोट मिलने से हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी सूचना। लोगों का आरोप है कि कोरोना फैलाने की साजिश के तहत फेंके गए नोट। कोरोना पर ताबड़तोड़ फैसले। लखनऊ में बन रहा है कोविड 19 अस्पताल। राम मनोहर लोहिया अस्पताल में मानक पूरे। इंटरनेशनल प्रोटोकॉल के तहत मरीजों का हो रहा है इलाज। लखनऊ में लॉकडाउन के दौरान प्रशासन का नया आदेश। सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक किसी भी वाहन पर लगाया प्रतिबंध। आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई छोड़कर सभी पर लगाई रोक। हापुड़ में एक वकील ने संक्रमण से बचने के लिए जंगल में अपना तत्कालीन आशियाना बनाया। अधिवक्ता मुकुल त्यागी ने खाना पीना रहना सब कुछ इसी ट्री हाउस में करना शुरू कर दिया है। उनका मकसद है इससे कोरोना से निपटने में मदद मिलेगी और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा। जौनपुर में क्लास 3 में पढ़ने वाली एक छात्रा ने कोरोना महामारी को भगाने के लिए अपना योगदान दिया है। छात्रा अपने पिता के साथ पुलिस चौकी पहुंची और उसने अपनी गुल्लक में जमा किए पैसे पीएम राहत फंड के लिए दान कर दिए हैं। 21 दिन के लॉकडाउन के दौरान बच्चों के स्कूल बंद हैं। बच्चे अपने घरों पर रहकर लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। ये बच्चे अपने घरों पर अलग अलग एक्टिविटीज कर अपने साथ साथ अपने परिवार का भी मनोरंजन कर रहे हैं और लोगों को लॉकडाउन का पालन करने का संदेश भी दे रहे हैं। ये बच्चे भी कोरोना वॉरियर्स की भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे ही बच्चों ने एबीपी गंगा को अपने वीडियो शेयर किए। सर तेरा ये जरूर है, तेरी नजर का कसूर है। दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज से कानपुर लौटे जमाती अब्दुल कादिर की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। वो बिजनौर के चांदपुर के रहने वाले हैं। अब एहतियात के तौर पर पुलिस ने उस 1 किलोमीटर के दायरे को सील कर दिया है और कोरोना पीड़ित को अभी आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया है। इतनी सख्ती के बाद भी लॉकडाउन उल्लंघन की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। लोग सोशल डिस्टेंसिंग को ठेंगा दिखा रहे हैं, समझने को तैयार नहीं है। आलम यह है कि कानपुर में सड़क किनारे सब्जी मंडी लग गई है। बिना रोक टोक के लोग आम दिनों की तरह यहां घूम रहे हैं। कानपुर में रेलवे की महामारी से निपटने की तैयारी। कोरोना के आपात स्थिति से निपटने के लिए बोगियों में तैयार कराए बेहतर आइसोलेशन वार्ड। पुलिस कर्मचारियों के लिए सुरक्षा किट भी उपलब्ध। रेलवे ने 15 अप्रैल से ट्रेनें चलाने की रिपोर्ट को गलत बताया। कहा अभी ऐसी कोई योजना नहीं है। रेलवे की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि मंत्रालय ने अभी तक इस संबंध में कोई भी प्रोटोकॉल जारी नहीं किया है। रेलवे की ओर से ट्वीट कर बताया गया, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि लॉकडाउन की अवधि खत्म होने के बाद ट्रेन चलाई जाएगी, जबकि ये रिपोर्ट गलत है। उत्तराखंड में भी अभी भी लापता है कई जमाती। पुलिस सख्त धाराओं में दर्ज करेगी मुकदमा। मुख्यमंत्री बोले कंट्रोल में है सूबे के हालात। ऋषिकेश में रायवाला क्षेत्र राजाजी नेशनल पार्क से सटे होने के चलते काफी सेंसिटिव जोन है, इसलिए पुलिस ड्रोन कैमरे की मदद से लोगों पर नजर रख रही है। साथ ही ड्रोन से वन क्षेत्र की भी निगरानी की जा रही है, ताकि कोई जंगल के रास्ते शहर में दाखिल न हो जाए। हरिद्वार में भी कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 3 युवक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और तीनों ही तबलीगी जमात से हैं। जहां से ये 3 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, उन इलाकों को प्रशासन ने पूरी तरह से सील कर दिया है। कोरोना के 3 नए मरीज मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। स्वास्थ्य विभाग आसपास के लोगों की भी जांच करा रहा है। हरिद्वार में कोरोना के 3 मरीज मिलने के बाद किया गया कई इलाकों को सील। आम जरूरत की चीजें मुहैया कराएगी पुलिस। हालात पर पुलिस की नजर। हरिद्वार में 2 जमातियों के खिलाफ कई धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ है। इनके खिलाफ धारा 279, 338 और 307 समेत कई धाराओं में FIR दर्ज हुई है। दरअसल पुलिस और प्रशासन की बार बार अपील के बाद भी ये जमाती अपनी पहचान छिपाते रहे। जाहिर है अब इनके खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। देहरादून में निजी अस्पतालों के लिए कड़े निर्देश। मरीज बगैर इलाज लौटे तो होगी कार्रवाई। निजी अस्पतालों के लिए OPD खोलना जरूरी। कोरोना के इलाज के लिए 15 अस्पताल किए गए चिन्हित। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा उत्तराखंड में हालात फिलहाल पूरी तरह से काबू में हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जमातियों पर पुलिस की पैनी नजर है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हर दिन CCTV के जरिए राज्य के हालात की निगरानी रखते हैं। CCTV के जरिए मुख्यमंत्री शहरों के हालात की लाइव मॉनिटरिंग करते हैं। उधर CM आवास पर ही एक टेंट में मीटिंग भी होती है, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाता है। जब मुख्यमंत्री को खाली समय मिलता है तो वो बगीचे की सैर करते हैं।
कोरोना वायरस को लेकर केंद्र के साथ ही राज्य सरकार ने मंत्री विधायकों के वेतन में 30% कटौती करने का फैसला किया है। इस पर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल ने कहा कि इस समय इस तरह के कदम उठाना जरूरी था। देहरादून में नगर निगम के सफाई कर्मियों और स्वास्थ्य कर्मियों का कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने माला पहनाकर स्वागत किया। दरअसल कोरोना लॉकडाउन के दौरान ये कर्मचारी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, इसमें उनका काफी बड़ा योगदान है। देहरादून में नगर निगम के सफाई कर्मियों और स्वास्थ्य कर्मियों को किया गया सम्मानित। कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने माला पहनाकर किया स्वागत। बागेश्वर में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए बागेश्वर पुलिस ने एक और पहल की है। महिला आरक्षी इन दिनों मास्क बनाने में जुट गई हैं। इन्हें बनाने के बाद सैनिटाइज कर दिन रात ड्यूटी दे रहे हैं। इन मास्क को पुलिस के जवानों और गरीबों को निःशुल्क वितरित किया जाएगा। कन्नौज में मास्क की आपूर्ति पूरी करने के लिए पुलिसकर्मी भी लगे हैं। यहां एक महिला पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी खत्म करने के बाद बाकी वक्त में 3 लेयर मास्क बनाकर लोगों की मदद कर रही है। अब तक ये सैकड़ों मास्क बनाकर लोगों की मदद कर चुकी है। पुलिसकर्मी के इस काम को जिले के अधिकारी भी सराह रहे हैं। लॉकडाउन के चलते टिहरी के बौराड़ी अस्पताल को आइसोलेशन में तब्दील कर दिया गया है। यहां उन मरीजों के सामने परेशानी खड़ी हो गई है जो इलाज के लिए बौराड़ी के अस्पताल आए थे। अब इन मरीजों को नई टिहरी के अस्पताल में जाना पड़ रहा है, मगर इस अस्पताल में अल्ट्रासाउंड ECG जैसी जरूरी सुविधाएं नहीं है जिससे मरीज परेशान है। रामनगर के क्यारी गांव में घुसा हाथियों का झुंड, किसानों की गेहूं की फसल को किया बर्बाद। वन कर्मियों से गश्त की मांग। रामनगर के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के पार्क प्रशासन ने वन्य जीवों की सुरक्षा बढ़ा दी है। पार्क कर्मी सभी जानवरों की व्यवहार पर निगरानी रख रहे हैं, साथ ही उन्हें किसी तरह की परेशानी होने पर फौरन इलाज शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। नैनीताल से एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। इसमें गुलदार शिकार की तलाश में घर में घुस आया है। जब लोगों ने CCTV देखा तो वो भी भौंचक के रह गए। राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण ने भारत के सभी नेशनल पार्क को एडवाइजरी जारी कर पार्क के अंदर वाइल्ड एनिमल पर नजर रखने को कहा है। साथ ही आइसोलेशन वार्ड भी बनाने के आदेश दिए हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर्मचारी कॉर्बेट पार्क के जंगलों में लगातार गश्त कर रहे हैं। पार्क में जंगली जानवरों को खोज कर चेक किया जा रहा है, जिन पर कोरोना वायरस का खतरा मंडराने की सबसे ज्यादा संभावना है। लॉकडाउन के चलते घर में छुट्टी मना रहे हैं बच्चे। इन बच्चों ने न केवल खुद को लॉकडाउन किया हुआ है, बल्कि घर पर रहकर बच्चे लोगों को जागरूक करने के लिए कुछ नया काम कर रहे हैं। रामनगर की प्रांजलि जोशी 6ठी क्लास में पढ़ रही हैं। इस बच्ची ने कोरोना पर लोगों को जागरूक करने के लिए गाना लिखा है, जिसका संगीत भी इसने ही तैयार किया है। पिथौरागढ़ में नेपाल जाने वाले लोगों के लिए परेशानी। झूलों पुलों को खोलने के लिए अभी नहीं मिली इजाजत। धारचूला में ठहरे हुए हैं 1025 लोग। खटीमा से विधायक पुष्कर धामी ने किया अस्पताल का औचक निरीक्षण। कोरोना से बचाव के लिए की गई तैयारियों का लिया जायजा। अधिकारियों को दिया दिशा निर्देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में कोरोना की स्थिति का जायजा लेने के लिए भाजपा जिला अध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा से बातचीत की। PM ने फोन पर मास्क का प्रयोग और आरोग्य सेतु ऐप को जन जन तक पहुँचाने की अपील की। टीम 11 की मौजूदगी में CM योगी ने गरीब मजदूरों और जरूरतमंदों के खाते में सीधी रकम डाली। हर गरीब के खाते में 1,000 रुपए DBT के जरिए ट्रांसफर किए गए, जिसमें स्ट्रीट वेंडरों, ऑटो चालकों, ई रिक्शा चालक, मंडी में काम करने वाले लोगों के खातों में राशि डालकर उन्हें फायदा पहुंचाया गया। कोरोना के खतरे पर CM योगी की बैठक। टीम 11 के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की मीटिंग। आगे की रणनीति पर की चर्चा। केंद्रीय मंत्री और अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी ने घर बैठे लोगों को सिखाया मास्क बनाने का तरीका। सोशल मीडिया के जरिए ट्विटर पर शेयर की तस्वीर। कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा ने CM योगी को लिखी चिट्ठी, कहा जांच बढ़ाने और स्वास्थ्य सुविधाओं पर ध्यान दे सरकार। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर लिखा, कोरोना का राजनीतिकरण दुर्भाग्यपूर्ण। पाकिस्तान में तबलीगी जमात की जमकर आलोचना हो रही है। पाकिस्तान की पंजाब सरकार द्वारा विरोध के बावजूद भी जमात ने वहां पर अपना सालाना कार्यक्रम आयोजित किया। इसी कार्यक्रम को लेकर तबलीगी जमात के प्रबंधन ने दावा किया है कि उनके सालाना कार्यक्रम में 2.5 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे थे। साथ ही सभा में 3,000 लोग ऐसे शामिल थे जो 40 देशों से आए थे। WHO ने दुनिया भर में फैल रहे कोरोना वायरस के संक्रमण के खिलाफ लड़ाई के लिए सभी देशों को एकजुट रहने की अपील की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन की कड़ी आलोचना के बाद WHO प्रमुख ने ट्रंप को जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि कोरोना पर राजनीति आग से खेलने जैसा है। रुड़की में जमीनी विवाद में 2 पक्षों के बीच जबरदस्त मारपीट हुई। दोनों पक्षों के 2 लोग मारपीट में घायल हो गए। मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। गंगनहर कोतवाली क्षेत्र का मामला।
मुजफ्फरनगर में जमीनी रंजिश के चलते दबंगों ने एक परिवार पर चलाई ताबड़तोड़ गोलियां। परिवार के 3 लोगों को लगी गोली, हालत नाजुक। गोली लगने के बाद गंभीर हालत में घायलों को मेरठ रेफर कर दिया गया। दूसरे पक्ष के भी 2 लोग घायल। रायबरेली के हंसवा गांव में भीषण आग लगने से 4 गरीबों के घर जलकर खाक हो गए। आग इतनी तेज थी कि जिससे घर में मौजूद राशन, कपड़े और कागजात आग की भेंट चढ़ गए। घरों में लगी आग इतनी तेज थी कि दमकल कर्मियों को आग बुझाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, जिसके बाद देर रात आग पर काबू पाया जा सका। पीलीभीत के अमरिया थाना क्षेत्र में तेज हवाओं के साथ चिंगारी उठने से लगभग 18 बीघा गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। हालांकि बाद में ग्रामीणों और किसानों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। शामली के आदर्श मंडी थाना क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब किराए के मकान में चल रहे जल निगम के दफ्तर में अचानक आग लग गई। शॉर्ट सर्किट से आग की संभावना बताई जा रही है। इस आग में दफ्तर के जरूरी कागजात और कंप्यूटर फर्नीचर जलकर पूरी तरह खाक हो गए। बाद में दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। रामनगर में गेहूं की फसल खेत में तैयार है, लेकिन लॉकडाउन के चलते उसे काटा नहीं जा पा रहा है। लेबर नहीं मिलने की वजह से खड़ी फसल को खासा नुकसान हो रहा है। सरकार का क्रय केंद्र भी नहीं खुल रहा है, ऐसे में कटी फसल को स्टोर करना भी मुश्किल है। खाद्य विभाग का कहना है कि 15 अप्रैल से क्रय केंद्र खोल दिए जाएंगे। पहाड़ों में एक बार फिर से मौसम ने करवट बदल दी है। करवट बदलने के साथ ही बद्रीनाथ सहित तमाम ऊंचाई वाली जगहों पर एक बार फिर बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है। जहां पूरा देश लॉकडाउन चल रहा है, वहीं बद्रीनाथ में रोजाना मौसम का लॉकडाउन देखने को मिल रहा है, जिसके चलते रोज दोपहर बाद बद्रीनाथ में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। बद्रीनाथ में जबरदस्त ठंड हो रही है, तापमान 0 डिग्री के नीचे पहुंच गया है। बद्रीनाथ धाम में अप्रैल के महीने में भी भारी बर्फबारी का दौर जारी है, जिसके चलते बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर जगह जगह सड़क पर भारी हिमस्खलन हो रहा है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर कंचनजंगा पर भारी हिमस्खलन होने से हाईवे पर 40 से 50 फीट ऊंचे हिमखंड सड़क पर आ गया था, जिसको 5 JCB की सहायता से 25 मजदूरों ने हाईवे से हटाया। रुद्रप्रयाग में बर्फबारी के बीच मजदूर रास्ता बनाने में जुट गए हैं। मजदूर केदारनाथ यात्रा के लिए पैदल मार्ग से बर्फ हटाने के काम में जुटे हुए हैं। 29 अप्रैल से केदारनाथ की यात्रा शुरू होगी, लिहाजा बर्फ हटाने का काम तेजी से किया जा रहा है, मगर खराब मौसम प्रशासन के लिए मुसीबत बना हुआ है। शोएब अख्तर के बयान पर कपिल देव का जवाब, कहा भारत को पैसे की नहीं है जरूरत, आपके फायदे के लिए नहीं खेला जाएगा क्रिकेट। शोएब अख्तर ने कोरोना से लड़ने के लिए फंड जुटाने के लिए भारत और पाक के बीच वनडे सीरीज की कही थी बात। कपिल देव ने कहा अभी हालात ठीक नहीं, ऐसे में सीरीज होना नामुमकिन। शोएब अख्तर ने पाकिस्तान के लिए मांगी भारत से मदद। पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने भारत और पाकिस्तान को मिलकर कोरोना वायरस महामारी का सामना करने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि अगर भारत हमें 10,000 वेंटिलेटर्स देता है तो इसे पाकिस्तान जिंदगी भर याद रखेगा। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद आफरीदी ने वर्ल्ड क्रिकेट के एक से बढ़कर एक धुरंधर खिलाड़ियों को चुनकर अपनी ऑल टाइम प्लेइंग 11 बनाई है। अपनी ऑल टाइम ग्रेट क्रिकेटरों की प्लेइंग 11 में आफरीदी ने सिर्फ एक भारतीय खिलाड़ी को ही चुना है। आफरीदी ने सचिन तेंदुलकर को अपनी प्लेइंग 11 में शामिल किया है। दुनिया भर को अपनी चपेट में ले चुके कोरोना वायरस के कारण 2 हफ्ते में खेल जगत के 6 बड़े खिलाड़ी अपनी जान गंवा चुके हैं। इटली की ओलंपिक समिति ने बुधवार को बताया कि 56 साल के धावक डोनातो साबिया की कोरोना से मौत हो गई। वो 800 मीटर वर्ग में 2 बार ओलंपिक फाइनलिस्ट रह चुके हैं। कुछ दिन पहले ही उनके पिता की भी कोरोना के कारण मौत हो चुकी है। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाद अब निजी क्षेत्र के सबसे बड़े HDFC बैंक ने कर्ज पर ब्याज दर 0.20% तक घटा दी है। कर्ज की लागत कम होने के साथ बैंक ने ब्याज दर में कटौती की है। इसके साथ ही अब पैसे के लिए आपको ATM मशीन में जाने की जरूरत नहीं है। लॉकडाउन के दौरान घर के बाहर ही ये सुविधा बैंक पहुँचाएगा। रेनॉल्ट क्विड को कड़ी टक्कर देने के लिए मारुति सुजुकी अपनी नई जनरेशन ऑल्टो को इस साल के आखिर में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। इस नई कार को जून महीने के बाद भी लॉन्च किया जा सकता है। नई ऑल्टो के डिजाइन से लेकर इंटीरियर तक में काफी चेंजेस इस बार देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा नए मॉडल में नया BS6 इंजन और कुछ नए फीचर्स को भी जगह मिलेगी। बजाज ऑटो ने अपनी स्पोर्ट्स बाइक पल्सर 220F को BS6 इंजन के साथ अपग्रेड करके लॉन्च कर दिया है। इंजन के अलावा इस बाइक में किसी और तरह का कोई भी बदलाव नहीं किया गया। BS6 पल्सर 220F की कीमत 1,17,286 रुपए रखी गई है, जो कि दिल्ली एक्स शोरूम कीमत है, जबकि इसके BS4 मॉडल की कीमत 1,08,326 रुपए थी। यानी BS6 मॉडल अपने पुराने BS4 मॉडल से 8,960 रुपए महंगा है।
लॉकडाउन के बीच हाल ही में प्रचलित धार्मिक सीरियल रामायण की वापसी हो चुकी है। इसे काफी पसंद भी किया जा रहा है। टीआरपी के मामले में भी सीरियल ने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इस बीच रामायण से जुड़ी एक बुरी खबर सामने आई है। सीरियल में सुग्रीव का रोल करने वाले एक्टर श्याम सुंदर का निधन हो गया। अरुण गोविल और सुनील लहरी ने शोक जताया है। करीम मुरानी की बेटी जोआ मुरानी ने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट लिखा है। उन्होंने लिखा, मेरे पिता, मेरी बहन और मैं कोरोना पॉजिटिव हैं। पापा और मेरी बहन को कोरोना का कोई लक्षण नहीं था, हालांकि मुझे हल्के लक्षण दिखे। मुझे किसी फ्लू की तरह महसूस हुआ, थोड़ी सी परेशानी चेस्ट में थी जिसे आसानी से झेला जा सकता है। अगर कोई रेस्ट करे, प्राणायाम और गर्म पानी से मुझे काफी फायदा पहुंच रहा है। मैं उम्मीद कर रही हूं कि जल्द ही मैं घर वापस आ सकूंगी। फिल्म अभिनेता शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान ने सेल्फ आइसोलेशन के दौर में एक नई तस्वीर शेयर की है जो बड़ी तेजी से वायरल हो रही है। सुहाना खान ने एक धूप में ली हुई तस्वीर इंस्टाग्राम पर शेयर की है, जिसके चलते उनका चेहरा धूप में ग्लो कर रहा है, जबकि लॉकडाउन के बीच कुछ आवश्यक विटामिन डी वो लेती नजर आ रही है। तस्वीर में वो एक काले रंग के टॉप में नजर आ रही है। शर्लिन चोपड़ा लॉकडाउन के दौरान योगा के जरिए खुद को फिट रख रही हैं। शर्लिन चोपड़ा अपनी बोल्डनेस के लिए खासा मशहूर हैं। सोशल मीडिया पर शर्लिन की हॉट योगा की तस्वीरें काफी वायरल हो रही हैं। शर्लिन की फिल्म कामा सूत्र 3D लटकी रह गई और फिलहाल उनके पास कोई काम नहीं है। वो बिग बॉस और स्प्लिट्स विला का हिस्सा भी रह चुकी है। आप देख रहे हैं ABP गंगा, खबर आपकी, जुबा आपकी।